हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण जिन्हें हम बोलते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने कलन गणित जो है उसमें अवकलन और समाकलन दोनों जो प्रोसेस होती हैं उनकी हमने स्टडी कर ली है। आपने अवकलन और समाकलन दोनों पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रोसेस है उसमें एक्चुअल में हम अवकलन और समाकलन दोनों ही आपके प्रोसेस काम में आएंगी। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हमारे दोनों ही प्रोसेस काम में आ रही है। डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन दोनों ही आपके प्रोसेस जो मैंने बताई थी आपको वो आपके काम में आएंगी। इसमें मिक्सचर है एक तरीके से। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, अवकल समीकरण होते क्या है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, कई बार जब हमें साइंस की कुछ ऐसी ब्रांच आती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, तो अगर आपको दो कोई भी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, आपस में कोई भी दो राशियों के बीच में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो हम डायरेक्ट उनका रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। कई बार ऐसा आपके पास केस बन जाता है कि आप दो राशियों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप उन दोनों राशियों के बीच तो रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक राशि और दूसरी राशि के डेरिवेटिव के बीच, अवकलज के बीच जरूर आप संबंध निकाल सकते हैं। तो उसी की स्टडी करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ी है। तो अभी आपके इतना काम का नहीं है कि आप कौन से राशि में रिलेशन निकालेंगे, आपको ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो ये आपको कई फॉर्मेट में दिए गए हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पहचानना है कि आप जो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका सॉल्यूशन आप कौन से मेथड से और कौन कौन से मेथड से करेंगे आप, और किस तरीके से आपको करना है, ये स्टेप बाय समझना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आरबीएससी बोर्ड में ये आपका ये टॉपिक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने नंबर का आता है, ये आपके आता है सिक्स नंबर का आता है। ये हो सकता है इसमें तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, या सिक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें आपके टू पार्ट्स डिवाइड होकर आते हैं, जनरली ऐसा ही होता है लगभग केसेस में। तो आप ये ध्यान रखें इसमें तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं और या सिक्स नंबर का एक क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो ये आपके आरबीएससी बोर्ड में रोल करता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या है। तो देखिए, अब स्टडी करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसे कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो बहुत ही इजी है ये आपका। इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोबारा रिपीट हो रहा है एक तरीके से, और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है। तो देखिए ऐसे इक्वेशन आएंगे आपके पास इस टाइप के, मानिए एग्जांपल के रूप में d2y/dx2, और यहाँ पे आप मान लिए 5x = 0 ही मानिए, ऐसे इस टाइप के इक्वेशन हो अगर आपके पास। टाइप के इक्वेशन में आपके पास क्या हो रहा है कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है कि आपको एक जो कोई भी वेरिएबल वाई वेरिएबल है, मान लीजिए वाई वेरिएबल है, इसे आप बोलेंगे आश्रित चर। आश्रित का मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये वाई है वो एक्स का ही तो फंक्शन है, इसलिए तो आप वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा आपके पास इक्वेशन हो जिसमें आपके पास केवल एक ही आपको क्या दिया हुआ हो, स्वतंत्र चर जिसपे जो कोई पे निर्भर ना करता हो, जो किसी पे डिपेंडेबल नहीं हो, उसे आप बोलेंगे स्वतंत्र चर। और आश्रित चर का मतलब डिपेंडेबल वेरिएबल का मतलब ही है जो किसी अन्य चर पे निर्भर कर रहा हो। जैसे कि इसमें वाई तो क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक्स स्वतंत्र चर हो गया और वाई क्या हुआ, आश्रित चर। तो ऐसा चर जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, तो और उसमें एक या अधिक क्रम के अवकलज विद्यमान हो। देखिए, इसमें सेकंड ऑर्डर मौजूद है यहाँ पे। देखिए, d2y का मतलब क्या हुआ कि हम y का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो दो बार कर रहे हैं। ये आपने सेवंथ एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। सेकंड ऑर्डर का आप जो डिफरेंशिएशन आपने सीख भी रखा है, तो ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए, इसमें आप y का अवकलज कितनी बार कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं, तो हो सकता है दो से ज्यादा बार भी आपके पास अवकलन उपस्थित हो, तो उसमें एक या एक से अधिक बार अवकलज उपस्थित हो और एक ही स्वतंत्र उपस्थित हो, तो ऐसे समीकरण को आप बोलेंगे अवकल समीकरण। तो ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। टॉपिक वाइज टॉपिक जो आता है उसमें आपको जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ आता है, पहले आपको कोटि और घात उनकी पहचानी होती है कि वो कौन सी ऑर्डर और कौन सी डिग्री का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो पहला टॉपिक देखिए, टॉपिक आपका आता है ऑर्डर एंड डिग्री का। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ऑर्डर डिग्री पहचानी है, तो आप कैसे पहचानेंगे, मैं इसको एग्जांपल की सहायता से समझाती हूँ। देखिए, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है d2y/dx2 और प्लस में dy/dx और प्लस में आपको मान लीजिए 1=0 दिया हुआ है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये दिया गया जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए या ऑर्डर एंड डिग्री बताइए।
पहले मैं बात करती हूँ इसकी ऑर्डर की, कोटि की बात करती हूँ। कोटि की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब ये होता है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है। तो देखिए हम सभी टर्म्स में चलते हैं। पहला टर्म, इसमें कितनी बार वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, और कितनी बार हो रहा है, टू से आप समझ गए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से आप समझ गए हैं कि आप वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कितनी बार, दो बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बार हो रहा है और यहाँ पे एक बार हो रहा है वाई का, और यहाँ पे तो अवकलन है ही नहीं। तो अधिकतम अवकल समीकरण में अधिकतम अवकल कितनी बार हो रहा है, दो बार जो इसमें आ रहा था। तो कोटि होगी इस अवकल समीकरण की दो, ये कोटि होगी इस अवकल समीकरण की। तो इस टाइप से आपको कोटि निकालनी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस स्टेप से अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आता है तो इसमें आपको कोटि पूछता है तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, आप यहाँ पे लिखेंगे कोटि की आप क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में, आंसर में आप क्या लिखेंगे, कोटि लिख रहे हैं आप पहले। तो देखिए कोटि का मतलब मैंने बताया था आपको कि आप जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है, अवकलन यहाँ पे तो डी का मतलब तो डिफरेंशिएशन होता है, तो इसमें कितनी बार अवकलन हो रहा है, ये जो मैंने रेड एरिया से कवर किया है तो डी थ्री थ्री आ रहा है बीच में, इसका मतलब यहाँ पे तीन बार अवकलन किया है आपने वाई का, तभी तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा गया है। तो ये फॉर्मेट होती है, आप ऐसे लिखेंगे कितनी बार अवकलन को डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन से ऐसे। देखिए एन की वैल्यू क्या है, एक दो तीन जितनी बार भी, तो डी एन एन का मतलब क्या हुआ, जितनी बार अवकलन कर रहे हैं, दो बार करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर आ जाएगा। इस स्टेप से ये होता है फॉर्मेट, जितनी बार अवकलन करेंगे उस स्टेप से, तभी तो हमने सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव को इस स्टेप से लिखा था। तो देखिए यहाँ पे कितनी बार अवकलन हो रहा है वाई का, तीन बार, देखिए तीन बार मैंने लिख दिया, और यहाँ पे अवकलन है क्या, नहीं है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ पूरे अवकल समीकरण में, तीन बार, इसका मतलब कोटि जो आएगी अवकल समीकरण की वो हुई तीन। तो इस स्टेप से आपको ज्ञात करना है। और एग्जांपल देखिए, ये देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें आप आपको इसमें कोटि ज्ञात करनी है, कोटि आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कोटि का मतलब वही होता है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें आप अवकलन अधिकतम कितनी बार कर रहे हैं। तो हम टर्म्स बाई चलते हैं कि सबसे ज्यादा अवकलन किसमें हो रहा है, वो इसकी कोटि होगी। तो देखिए पहले टर्म में, इसमें देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आपको क्यूब दे रखा है, तो ये क्यूब इसमें अपना जाए, अगर अवकलन की कोटि, जो अवकलन कोटि दी हुई होती है आपको, क्या अवकलन कितनी बार हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डी टू वाई डी थ्री वाई डी एन वाई, ये आपको क्यूब में पावर में नहीं दिया होगा कभी भी, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पे अवकलन कितनी बार हो रहा है, दो बार, तो आप ऐसा ना करें कि दो बार अवकलन हो रहा है, दो को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें सिक्स, तो ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब कि वाई का अवकलन दो बार ही हो रहा है, और जो दो बार अवकलन आया है उसको आप क्यूब कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी अवकलन छह बार हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर छह बार अवकलन होता तो उसको आप ऐसे लिखते, इसको आप ऐसे ही लिखते, देखिए इसी फॉर्मेट में लिखते आप डी सिक्स वाई अपॉन डी एक्स की पावर सिक्स, सेम इसी फॉर्मेट में आप लिखते, इसका मतलब होता है कि छह बार आप अवकलन कर रहे हैं। अगर सेवन बार आपको अवकलन करना है तो डी सेवन वाई अपॉन डी एक्स सेवन, सेम यही फॉर्मेट आता है डी सेवन सेवन का मतलब, अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपने सेवन बार क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अगर आपको पावर दी हुई आती है तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, पावर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन में ही उसको इंक्लूड करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन छह बार या सात बार जितनी भी बार दिया हुआ आता तो यहीं पे लिखा हुआ आता, आपको पावर में नहीं दिया हुआ आएगा। देखिए तो इसमें आपने, इस टर्म में आपने कितनी बार अवकलन किया अधिकतम बार, दो बार, तो मैं दो यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए वाई तो ऐसे कैसे, इसमें तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, यहाँ पे देखिए वाई का यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, एक बार, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो पावर में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, कितनी बार कर रखा है आपको, एक बार, यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो देखिए दो बार, एक बार, यहाँ पे जीरो बार, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अधिकतम कितनी बार किया गया, दो बार, तो कोटि इसकी आएगी दो। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और दूसरी बात, मैं घात की अगर करूं, देखिए इन्हीं एग्जांपल में घात की बात करती हूं मैं आपसे, क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें कोटि घात सभी आपको साथ में पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकता है छोटे में, छोटे क्वेश्चन में। तो देखिए अगर आपको घात ज्ञात करनी हो तो घात में क्या करना होता है, पहले आपको कोटि तो निकालनी होती है, पहले आप कोटि निकालेंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कोटि निकाल ली दो, क्योंकि अधिकतम अवकलन इसी का हो रहा था, वो भी दो बार था अधिकतम अवकलन, दो लिख दिया आपने कोटि, तीन बार होता तीन लिखते, चार बार होता चार
चार लिखते हैं हम यहाँ पे कोटि। तो अब देखिए, अब घात आपको निकालनी है, घात का मतलब डिग्री, डिग्री आपको निकालनी है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, जो अधिकतम अवकलन किसका हो रहा था, इस वाले का, इसमें तो हो रहा था दो बार अवकलन, उसकी घात आपको कितनी दी गई है। देखिए इसको इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसकी घात कितनी दी गई है आपको, वैसे तो कुछ भी नहीं दी हुई थी, लेकिन अगर आपको 2+3 दे सकता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1+3 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। 1 पावर से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि इसकी पावर आपको 1 दी गई है। तो अधिकतम जो अवकलन होता है उसकी पावर कितनी दी हुई आती है आपको, वही कहलाती है घात। तो यहाँ पे अधिकतम अवकलन की पावर कितनी दी हुई है, 1, तो घात आएगी 1। इस टाइप से आपको करना है। सेकंड देखिए एग्जांपल, सेकंड में देखेंगे आप अधिकतम अवकलन किसका हो रहा था, इसका अधिकतम अवकलन इसका ही तो हो रहा था 3 बार, तो इसकी पावर आपको कुछ भी नहीं दी गई है, तो आप इसको भी मान लेंगे 1 पावर। तो इसकी भी घात कितनी आएगी, इसकी भी घात आएगी 1। ये अब देखिए थर्ड एग्जांपल में, देखिए थर्ड एग्जांपल में अधिकतम अवकलन किसका हो रहा था, d2y 2 बार, 1 बार या 0 बार, 2 बार हो रहा था इसमें। तो इसकी पावर देखिए आप, तो ये देखिए इसकी पावर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 3 दी हुई है आपको। अगर नहीं दी होती तो हम 1 लगा के घात करते 1, लेकिन आपको घात दी हुई है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे घात आ जाएगी। अधिकतम अवकलन जो है क्वेश्चन में उसकी घात कितनी दी हुई है, वही कहलाती है आपकी डिग्री या घात। तो इस स्टेप से आपको क्वेश्चन में पहचानना है। तो देखिए मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके यही पूछ रहा है सभी क्वेश्चन में, कोटि आपको कोटि और घात घात ज्ञात करनी है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये ब्लैक से मैंने लिख रखा है, dy/dx (sin2x + cos2x). तो देखिए कोटि ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, अधिकतम अवकलन। तो देखिए यहाँ पे अवकलन इसी में तो दिया हुआ है, यहाँ पे तो अवकलन है ही नहीं, d आपको जहाँ पे भी दिया हुआ आएगा आप वहाँ पे समझ जाएंगे उसका मतलब है आपका डेरिवेटिव, अवकलज है उसका मतलब। तो इन टर्म्स में आपको d दिया ही नहीं हुआ कहीं पे, तो यहाँ पे अवकलन हो भी नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए dy का अवकलन कितनी बार हो रहा है, 1 बार, अधिकतम अवकलन कितना हुआ, 1 बार, यहाँ पे तो 1 बार, यहाँ पे 0 बार है, तो अवकलन कोटि आई 1 बार। घात देखिए यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितनी बार था, 1 बार, किसका था वो, इसका, इसकी पावर क्या दे रखी है आपको, कुछ भी नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 पावर, तो घात हो गई इसकी 1। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन ये है आपके पास। तो देखिए पहले कोटि ज्ञात करनी है आपको, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तो देखिए यहाँ पे तो आपको 2 बार अवकलन है, यहाँ पे 0 बार, यहाँ पे 0 बार, डी तो दिया ही नहीं आपको, डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है आपको, तो 2 बार यहाँ पे दिया हुआ है 2 बार, तो कोटि कितनी बार आएगी, 2 ही तो आएगी, अधिकतम अवकलन 2 ही तो है, इसी में ही था ओनली 2, 0, 0, तो 2 ही तो आएगा अधिकतम, और अधिकतम अवकलन ये है 2, तो इसकी घात कितनी दे रखी है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 घात लिख सकते हैं आप इसको, तो कोटि घात आ गई, सो इसकी 1। तो आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री आ गई है 2 और 1, इस स्टेप से करना है आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो आप डिफरेंशिएशन देखिए, सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम जो आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार दिया हुआ है, तो देखिए इसमें हम बात करें तो देखिए इसमें आपको अवकलन कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार अवकलन, और पावर से आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, अवकलन तो आपको 2 ही बार दिया हुआ है, और जो अवकलन आएगा उसको आपको स्क्वायर करना है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि आपको 4 बार अवकलन दिया हुआ, अगर 4 बार अवकलन दिया हुआ होता तो आपको यहाँ पे d4y लिखता, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में नहीं देता, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, अगर जो भी आपको अवकलन दिया हुआ आता है तो यहाँ पे बीच में ही लिखता है। तो कितनी बार अवकलन दिया हुआ आपको यहाँ पे, 2 बार, तो ये 2 बार दिया हुआ, यहाँ पे कितनी बार है, y का अवकलन 1 बार तो करा है, d1y और dx1 लिख सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ये 1, आप ऐसे समझते भी हैं, y का 1 बार अवकलन करते हैं ऐसे ही लिखते हैं आप dy/dx, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ 1 बार। तो अधिकतम कौन सा आएगा, 2 या 1, अधिकतम 2 है, तो इसकी कोटि आई 2। घात निकालनी है, अधिकतम जो अवकलन ये वाला आया था इसकी घात कितनी दे रखी क्वेश्चन में आपको, इस अवकलन की घात दे रखी है आपको 2, तो इसकी घात आ गई है 2। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात ये आती है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं एंड जिसमें अगर आपको जो डिफरेंशिएशन है वो आपको हर में दिया हुआ आए, अंश में नहीं आपको हर में दिया हुआ आए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक तो ये केस, और आपको अगर डिफरेंशिएशन को आपको जैसे डी है, ये देखिए डेरिवेटिव तो है एक तरीके के, तो आपको ये जो डेरिवेटिव दे रखे हैं तो उनको उनकी पावर आपके भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे 3/2 हो, 1/2 हो, 4/5 हो, इस टाइप की हो, तो उनको पहले आपको पूर्ण भिन्न में बदलना होगा, भिन्न भिन्न से उनको हटाना होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगी और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये आप नोट लगा के लिख लीजिए कि अगर आपको जो डेरिवेटिव दे रखे हैं
कलर्स आपको जो दे रखे हैं, अगर वो हर में हो और उनकी पावर भिन्न में हो, तो पहले उनको सोल करना है, उसके बाद आपको उनकी कोटी और घात निकालनी है। सेम वही मेथड रहेगा, लेकिन पहले आपको उनको सोल करना है, उसके बाद आपको कोटी और घात निकालनी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें। देखिए जो आपका नोट मैंने आपको बताया है तो वो काम कर रहा है इसमें। जो आपको डिफरेंशिएबल है, देखिए डेरिवेटिव आपको दे रखा है वो आपको हर में दिया हुआ है। देखिए वन अपॉन का मतलब क्या हुआ, हर में, और ये तो आपका अंश में ही तो है, तो ये आपको हर में दिया हुआ है, तो पहले इसको आपको सोल्व करना होगा। तो सोल्व आप कैसे करेंगे, सोल्व आपको कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लेना है। और देखिए एलसीएम लेना है आपको, तो मैं एलसीएम लेती हूँ। देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ पे देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स की तीन पावर पहले से थी, और एक और ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब डीवाई अपॉन डी एक्स की पावर हुई चार। इस टाइप से करना है आपको। और देखिए इसकी होल पावर थ्री थी, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको डी टू वाई ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये होल पावर फोर ही जाएगा। और यहाँ पे प्लस में वन आया आपका, और यहाँ पे टू आया, और अब इसको इधर भेज दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको हर में से तो हटाना है, इसको हर में दे रखा था आपको ये डेरिवेटिव, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर और प्लस में वन और इक्वल्स टू टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बस इसको आपने सोल्व कर लिया, हर में दे रखा था, ये तो प्रॉब्लम कर रहा था आपका कि हर में आपके डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो तो हमने हटा दिया है। अब आपको निकालना है इसका क्या, अब आपको निकालना है इसका, इसकी निकालनी है कोटी और घात। तो देखिए कोटी और घात निकालने के लिए वही आपको मेथड लगाना है। इसके बाद अब मानिए आपका जो डिफरेंस दिया हुआ था वो ये हो गया है। अब देखिए इसमें आपको अधिकतम अवकलन कितनी बार दिया हुआ है, अधिकतम अवकलन देखिए एक और एक एक यहाँ पे दिया, एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो बार है, यहाँ पे कितनी बार है अधिकतम, यहाँ पे भी एक बार। अब देखिए अधिकतम अवकलन तो आपको एक बार ही दिया हुआ है, तो अधिकतम अवकलन तो कोटि तो इसकी एक हो गई, लेकिन घात घात की बात आती है, तो घात में हम क्या करते हैं, अधिकतम जो आपको अवकलन दिया हुआ होता है उसकी तो हम घात लेते हैं। देखिए अधिकतम अवकलन तो एक दे रखा है, जो कि दोनों में दे रखा है, तो इसकी घात तो आ रही है चार और इसकी घात आ रही है एक, इसकी घात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन वन लिख सकते हैं इसके, तो अब घात आप एक लेंगे या चार लेंगे, तो इसमें आपको ये वाला मेथड लगाना है कि आपको वो वाला डेरिवेटिव चुनना होगा जिसकी घात ज्यादा आ रही हो। देखिए इसमें चार आ रही है, इसमें एक ही तो आ रही है, तो घात आप चार ही मान्य लेंगे, आप यहाँ पे इसी को ही मान्य मानेंगे, घात इसकी ज्यादा दी जा रही है। अगर दोनों पावर आपको सेम ही है, यहाँ पे मान लीजिए चार है, यहाँ पे भी चार है, तो आप घात चार ही लिख दीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस टाइप का केस बनता है जिसमें आपको अधिक और कम दी हुई है, तो आप ज्यादा वाले को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखिए आप इसको ही मानेंगे कि आप मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिफरेंस एक बार हो रहा है, उसकी पावर चार ज्यादा आ रही है, जबकि एक कम आ रहा है यहाँ पे, तो घात आप चार को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और चार इसकी घात हो जाएगी वैलिड। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको। और दूसरा मैं अगर आपको भिन्न का बताऊं तो देखिए भिन्न वाला देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो पावर सही है, लेकिन जो यहाँ पे आपको पावर दी हुई है वो भिन्न के रूप में दे रखी है, तीन बटा दो आपको दे रखा है। तो मैंने आपको दो केसेस बताए थे, अगर आपको जो डेरिवेटिव है वो हर में हो या उसकी पावर कैसी हो, भिन्न में दी हुई हो आपको, तो आपको क्या करना है, जो हर में जो आपको डेरिवेटिव दिया है उसको भी हटाना है, और जो पावर भिन्न में है उसको भी साधारण बनाना है आपको। तो देखिए भिन्न को आप साधारण कैसे बनाएंगे, उसका आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कोटि और घात, पहले उनको सोल्व करना होगा आपका। तो देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए आपको तीन बटा दो दे रखा है यहाँ पे, तो अगर आपका यहाँ पे ये दो नहीं होता तो आपका सोल्व हो जाता क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप अगर दो को हटा दें, अंश बटा हर दे रखा, हर को हटा देंगे तो ये ओनली साधारण भिन्न बन जाएगी है। तो आपको क्या करना है, जो हर में जो आती है, अगर भिन्न में कोई भी भिन्न ऐसी आती है एक बटा तीन दो बटा तीन कुछ भी मान लीजिए, तो जो हर में दिया हुआ आता है उसको आप हटा दीजिए, साधारण आपकी बन जाएगी, जो साधारण पावर आती है वो आपकी बन जाएंगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, आपको दो दिया हुआ है, दो दिया हुआ है हर में दो, तो मैं क्या करती हूँ इसको इसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ इसको मैं, देखिए स्क्वायर करती हूँ मैं दोनों तरफ दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, तो देखिए स्क्वायर करूंगी तो ए का स्क्वायर तो हुआ ये, और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, या आप यहाँ अवकलन में ना जोड़ेंगे, कन्फ्यूज ना हो यहाँ पे, पावर दी हुई इसका स्क्वायर लगा दें आप ऐसे कैसे। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, पावर में टू एड करना ही तो हुआ इसका मतलब, करेंगे इसका तो स्क्वायर मतलब देखिए अगर मान लीजिए आपको ए की पावर एम और इसकी पावर एन करते हैं, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको ए की पावर एम इंटू एन,
तो देखिए स्क्वायर जब मैंने किया तो इसको आप 2 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको जब आप ऐसे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और ये 3 ही बचेगी आपके पास पावर। तो देखिए a प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और ये स्क्वायर की पावर आ गई 3। तो देखिए आपके पास साधारण पावर अब बन गई है, पावर आपके पास बन गई है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपका साधारण क्वेश्चन बन गया है ये। अब आपको निकालनी है इसकी कोटि और घात। तो देखिए कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे तो 2 बार हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 बार ही हो रहा है, अधिकतम अवकलन 2 बार हो रहा है, तो ये कोटि आई 2। और अधिकतम अवकलन की पावर कितनी दी हुई है आपको, 2 ही दी हुई है, तो घात आ गई 2। इस स्टेप से करना है आपको, दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको डेरिवेटिव हर में दे रखा हो या पावर आपको भिन्न में दे रखी हो, तो दोनों का आपको सोल्व करके पहले उसको साधारण पावर बनाना होगा, और जो आपको हर में दे रखा है उसको भी आपको ऊपर लाना होगा, और फिर उसको आपकी कोटि और घात निकालनी है, और मेथड आपका सेम वही रहेगा। तो ये मेथड आप ध्यान रखें, जब भी आप कोटि और घात निकालेंगे तो आप पहले चेक कर लें कि आपका कहीं डेरिवेटिव हर में तो नहीं दे रखा है या आपकी पावर भिन्न में तो नहीं है, अगर दे रखी है तो उसको सोल्व कर लीजिए, इजी वे से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे पावर 1/3 दी हुई होती, मान लीजिए 1/3 होगी, तो आप क्या करते उसकी जगह क्यूब कर देते तो यहाँ पे 3 से 3। हमारा मेन एम क्या होता है, इस हर को कैंसिल आउट करना। अगर यहाँ पे मान ली 1/5 दी हुई होती तो आप क्या करते इसकी इसका क्या करते आप इसको 5 पावर से गुणा करते इसको, तो यहाँ पे 5 आ जाता और इनकी भी पावर कितनी आती, 5 आ जाती। ऐसे इस टाइप से करना होगा आपको, हर को हटाना होता है, मेन उद्देश्य आपका। 1/7 होता तो आप इसकी पावर 7 लेते, सभी की पावर 7 लेते, इधर भी आप पावर 7 ले देते और यहाँ पे पावर आती 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट। आपको उद्देश्य ये होता है कि आप हर को हटा दें। तो ये अध्याय देखिए, इसमें आपको देखिए dy / dx इस तरह का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो देखिए लेकिन यहाँ पे आपको d जरूर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशियबल तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x index dx equals to माइनस का y dy, क्योंकि आपको फॉर्मेट तो वही बनाना है dy / dx वाला, तभी तो कहलाएंगे आपकी y है वो आश्रित चर है और x है वो स्वतंत्र चर है, तभी तो आप कह पाएंगे ये। तो देखिए आपको dy / dx या dx / dy ये वाला फॉर्मेट तो बनाना ही होगा, इसके बिना आप अवकलन समीकरण कहलाएगा ही नहीं आपका ये। तो आपको पहले अवकलन समीकरण के फॉर्मेट में इसको बनाना है, dy / dx हो या dx / dy हो, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। देखिए तो क्या करेंगे हम इसको, dy / dx से dx / dy किसी में बना लीजिए आप। तो देखिए अगर आप इसको dx को इधर भेज दें, इसको आप इधर भेज दें और y को आप इधर लेके आ जाएं, तो देखिए x / y equals to माइनस का dy / dx, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए आपका बन गया है अवकल समीकरण, यही तो होता है अवकल समीकरण। अब देखिए इसमें आपको कोटि और घात याद करनी है, तो वही आपका मेथड काम आएगा कि इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, तो अवकलन इधर ही हो रहा है, इधर तो अवकलन है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 बार हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आया। और इस अधिकतम अवकलन की आपको पावर कितनी दी हुई है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 पावर तो है ही, तो यहाँ पे आंसर आया 1। तो इस स्टेप से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैंने आपको सभी तरीके के मेथड बता दिए हैं, आप कोई से भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोटि और घात निकाल सकते हैं, डिग्री एंड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। और देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देती हूँ, 7th और 8th, इसमें आपको क्या करना है, इसकी कोटि तो आएंगी 2 ही तो है अधिकतम बार, और घात इसकी आएंगी 3, और ये 8th क्वेश्चन जो है इसमें आपको हर में दे रखा है डेरिवेटिव, तो पहले आपको इसको सोल्व करना होगा। एलसीएम जो आप लेंगे तो इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 3, और यहाँ पे आपके पास आएगा y² into dy / dx, तो इसकी कोटि तो होगी 1 और घात इसमें मैक्सिमम आएगी 2 भी आएगी, यहाँ पे 1 भी आएगी, तो आप मैक्सिमम घात को चुनते हैं, तो यहाँ पे 2 घात आपके जाएगी। मैंने आंसर बता दिया आपको, आप सोल्व कीजिए, यही आपके पास आंसर आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे होंगे कि आप जो एक्सरसाइज 12.1 है कितनी ईजी है, इसी टाइप से आपके आगे वाली एक्सरसाइज भी इस टाइप से चलने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।